स्टूडेंट्स आई एम गुप्ता योर मैथ्स टीचर टुडे वी स्टार्ट क्लास टेंथ मैथ चैप्टर इलेवन कंस्ट्रक्शन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल क्वेश्चन नंबर टू देखिए कंस्ट्रक्ट अ टेंजन टू अ सर्कल ऑफ़ रेडियस फोर सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ़ रेडियस सिक्स सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन आपको बेटा बोला गया है क्वेश्चन में कि आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है जिस सर्कल का रेडियस फोर सेंटीमीटर है ठीक है फिर आपको बोला है कंसेंट्रिक सर्कल मतलब जिस सर्कल का जिन टू सर्कल का सेंटर जो है सेम होता है कंसेंट्रिक का मतलब दोनों सर्कल का सेंटर आपके पास सेम है अब आपने फोर सेंटीमीटर एक सर्कल ले लिया था जिसका रेडियस फ़ोर सेंटीमीटर था दूसरा सर्कल आप उसी सेंटर से लेंगे उसका रेडियस होगा सिक्स सेंटीमीटर मेजर इट्स लेंथ फिर आप टेंजेंट की लेंथ मेजर करेंगे और आप जो मेजरमेंट करेंगे वो एक्चुअल कैलकुलेशन से करेंगे ठीक है सबसे पहले जो हम रफ डायग्राम है इसकी वो बना रहे हैं तो आपने ये सर्कल लिया विद रेडियस फोर सेंटीमीटर ठीक है ये आपने ले लिया सर्कल विद रेडियस फोर सेंटीमीटर ओके बेटा नेक्स्ट आप सर्कल लेंगे किसका सिक्स सेंटीमीटर का तो ये रेडियस जो हो जाएगा ये कितना आ जाएगा आपके पास सिक्स सेंटीमीटर ऊपर वाला फोर सेंटीमीटर था नीचे वाला सिक्स सेंटीमीटर ठीक है फिर आपने ओ पी को क्या लेना है ओ पी आपके पास एक आ, लाइन सेगमेंट है इसका आप परपेंडिकुलर बाई सेक्टर लेंगे तो ये आपने परपेंडिकुलर बाई सेक्टर लिया इसने इस लाइन को काटा एम पे ठीक है किस पे काटा बेटा एम पे ओके okay, एम क्या हो गया इसका सेंटर हो गया एम एम पी आप रेडियस लेंगे और एक सर्कल ड्रा करेंगे डॉटेड वाला ये डॉटेड वाला आपके पास सर्कल आ जाएगा और डॉटेड वाले सर्कल ने गिवन सर्कल जो हमारे पास कौन सा था फर्स्ट वाला रेडियस फोर सेंटीमीटर उसने इसको कट किया टी पे और टी डैश पे ठीक है तो पी टी जो है हम ज्वाइन कर देंगे पी डैश भी ज्वाइन कर देंगे हमें इसने बोला है एक टेंजेंट तो पी टी इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट ऑफ द सर्कल ओके okay, बेटा तो हम इसकी जो क्लियर डायग्राम है अभी वो बना रहे हैं ठीक है तो विद दी हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर ओके तो हमारे पास बेटा ये हमने लिया रूलर यहाँ पे हमें बोला गया है सर्कल लेना है आपने फोर सेंटीमीटर का रेडियस जो है उसका फोर सेंटीमीटर तो ज़ीरो से लेके फोर तक आप ओपन कर लेंगे इसको ये हमने ओपन किया अब आप सर्कल ड्रा करिए इसका ये हमारा सर्कल आ गया फोर सेंटीमीटर सेंटर मार्क कर लीजिए बेटा ये आ गया ठीक है नेक्स्ट आपने लेना है रेडियस सिक्स सेंटीमीटर जीरो से लेके सिक्स तक ओपन करेंगे आप सेंटर कंसेंट्रिक है तो सेम सेंटर लेंगे ये आपके पास सेकंड सर्कल आ गया ठीक है बेटा नेक्स्ट आपने क्या करना है बेटा ये जो सेंटर है इसको आप ज्वाइन करेंगे ठीक है ये आपने ले लिया ओके okay. इतना जो है हमारे पास फोर सेंटीमीटर आया है सेंटीमीटर और नीचे वाला जो है वो हमारे पास क्या आया वो आया है सिक्स सेंटीमीटर रेडियस ठीक है और इसने ये जो है हमारे पास इतना रेडियस है पी पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पे ओके बेटा नेक्स्ट हमने क्या करना है पी का ओ पी का परपेंडिकुलर पेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है ठीक है तो ये हम ओ पी जो लाइन सेगमेंट है कंपास को हम ओपन कर रहे हैं हाफ से ज़्यादा ठीक है हाफ से ज़्यादा आपने ओपन किया ये आर्क लगी हमारी ठीक है बेटा इसको मूव नहीं करना आपने यहीं पे रखेंगे सेम ये लाइन आप ज्वाइन कर लीजिए बेटा ये हमारे पास लाइन आ गई ओके तो जो ये सेंटर पॉइंट आया इसको हम नाम दे देते हैं एम ठीक है बेटा एम जो हमारे पास एम पी क्या आ गया रेडियस आ गया अगेन आप क्या करेंगे सर्कल ड्रा करेंगे आपने एक बार रख के देखना है कि लाइन सेंटर से जा रही है कि नहीं जा रही है ठीक है यहाँ पे ओके तो ये जा रही है बेटा डॉटेड सर्कल ले लेंगे आप जब आप डॉटेड सर्कल लेंगे तो आपने यहां पे ये ध्यान रखना है जहाँ पे ये फर्स्ट सर्कल को काट रहा है वहाँ पे आपने कट अच्छे से लगाना है बेटा ठीक है ये हमारे पास डॉटेड सर्कल आ गया अब आप क्या करेंगे जॉइन कर देंगे जहाँ पे इसने कट किया तो ये हमने पॉइंट ले लिया टी और नीचे हमने पॉइंट ले लिया ये वाला टी डैश ठीक है आप इसको ज्वाइन कर देंगे ठीक है दिस पी टी इज़ द रिक्वायर्ड टेंजेंट ऑफ द सर्कल हमें एक ही टेंजेंट पूछा है पी टी भी टेंजेंट आ गया आपके पास पी टी डैश भी टेंजेंट आ गया ओके क्लियर है बेटा तो अब आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसके राइट करेंगे बेटा सबसे पहले हमने क्या किया है सबसे पहले हमने ड्रॉ किया है सर्कल विद सेंटर दिस तो हम ये जो है इस पर राइट करते हैं तो आप ले रहे हैं बेटा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ठीक है कंस्ट्रक्शन में मेन यही होते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ही फर्स्ट स्टेप जो आया हमारे पास ड्रा और सर्कल अब बेटा यहाँ पे देख रहे हैं आप हमारे पास थ्री सर्कल आए हैं ठीक है अब सर्कल आया है, एक फोर सेंटीमीटर वाला एक सर्कल आया है सिक्स सेंटीमीटर वाला एक सर्कल हमारे पास डॉटर्ड वाला आया है तो इसलिए हम सर्कल जो है इनको नाम दे देंगे सी वन सी टू एंड सी थ्री ठीक है ड्रॉ अ सर्कल सी वन विद रेडियस फोर सेंटीमीटर ठीक है ये आपने एक सर्कल ले लिया जिसका रेडियस था फोर uh, सेंटीमीटर है ना सर्कल विद रेडियस फोर सेंटीमीटर एंड सेंटर ओ एंड सेंटर भी लिख लेंगे सेंटर क्या था इसका ओ तो सेकेंड आपने जो स्टेप किया क्या किया था ड्रा किया था ए नदर सर्कल तो आप लिखेंगे ड्रा ए नदर सर्कल उसको आप नाम दे देंगे सी टू ठीक है विद सेंटर ओ एंड रेडियस सिक्स सेंटीमीटर ओके थर्ड वाला आपने किया था uh, क्या किया था पी टी का परपेंडिकुलर है ना तो आप लिखेंगे लेट जो पी है पी इज पॉइंट ऑन सर्कल सी टू ठीक है उसके बाद आपने इसको ज्वाइन कर दिया रेडियस तो है हमारे पास बट आपने यहाँ पे इसको क्या किया ज्वाइन कर दिया ओ पी को ओके बेटा फोर स्टेप आपने लिया पर पेंडिकुलर बाय सेक्टर ऑफ किसका ओ पी का तो आप लिखेंगे ड्रा पर पेंडिकुलर आपने ये लिखा बाई सेक्टर ऑफ ओ पी एम इज द सेंटर ऑफ ओ पी नेक्स्ट आपने क्या किया टेक ओ एम एज द रेडियस एंड ड्रा अ सर्कल सी थ्री ड्रा सर्कल सी थ्री विच इंटरसैक्ट गिवन सर्कल गिवन सर्कल सी वन एट टी एंड टी डैश ओके okay, बेटा नेक्स्ट आप लिखेंगे जब आपने ये हमारे पास पॉइंट आ गए तो सिक्स पॉइंट में आप लिखेंगे आपने ज्वाइन किया पीटी को ज्वाइन पीटी देन पीटी इज़ द रिक्वायर्ड टेंजेंट रिक्वायर्ड टेंजेंट ओके बेटा अब आपको नेक्स्ट क्या देना है इसकी जस्टिफिकेशन ठीक है जस्टिफिकेशन आप जानते हैं हमें ये बताना है कि ये हमारे पास टेंजेंट कैसे हुआ जस्टिफिकेशन ठीक है तो मतलब हमें ये बताना है जो एंगल हमारे पास कौन सा बन रहा है यहाँ पे अंदर यहाँ पे हमारे पास एंगल बन रहा है ओ टी पी ठीक है तो वो ओ टी पी कैसे हुआ आप क्या करेंगे सबसे पहले जस्टिफिकेशन में आपने जॉइन करना है O और टी को यह आपने ज्वाइन किया बेटा ये आपको प्रूव करना है कि ये एंगल जो है वो नाइन्टी कैसे हुआ ठीक है सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पे जस्टिफिकेशन में ज्वाइन ओ टी ओके आपने ओ टी को ज्वाइन किया हमारे पास ओ पी क्या है डायमीटर है थर्ड सर्कल का तो आप लिखेंगे ओ पी इज़ द दा डायमीटर ऑफ द सर्कल सी थ्री ठीक है ये डायमीटर है इसका नेक्स्ट बेटा अब डायमीटर हुआ तो हमारे पास ये ऊपर वाला सेमी सर्कल हुआ तो सेमी सर्कल का जो भी एंगल होता है वो क्या होता है नाइन्टी डिग्री तो आप लिखेंगे एंगल ओ टी पी इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री बिकॉज एंगल इन द सेमी सर्कल ओके अगर ये ओ टी पी नाइन्टी हो गया तो हमारे पास ओ टी है वो परपेंडिकुलर हो गया टी पी के ऊपर ठीक है तो देयर फोर हमारे पास जो आया पी टी इज़ रिक्वायर्ड टेंजेंट ऑफ सर्कल सी वन ठीक है सी वन जिसका रेडियस क्या था फोर ओके नेक्स्ट हमें ये भी बोला गया है कि हमें एक्चुअल कैलकुलेशन से ये इसकी मेजरमेंट बताइए ठीक है मेजरमेंट ऑफ टेंजेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन तो आप लिखेंगे इसमें क्या करेंगे एक्चुअल कैलकुलेशन में अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ओ टी पी जो है आपके पास राइट ट्राइंगल हो रहा है बेटा ओ टी जो है वो रेडियस आ गया फोर सेंटीमीटर एंड ओ पी जो आ गया आपके पास सिक्स सेंटीमीटर तो पी टी की लेंथ आप निकाल सकते हैं यस पी टी क्या हुआ ये परपेंडिकुलर हुआ ये बेस हुआ ये हाइपोटेन्यूज हुआ ठीक है तो आप लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल इन राइट ट्राइंगल ओ टी पी सॉरी ओ क्या है ओ टी पी ठीक है बेटा हमारे पास हाइपोटेन्यूज है जो वो है ओ पी तो आप लिखेंगे ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी स्क्र प्लस पी टी का स्केयर ओके नेक्स्ट बेटा आप ओ पी की वैल्यू आपको निकालनी है सॉरी है सिक्स सेंटीमीटर है इसका तो सिक्स स्क्यर आ गया ओ टी आपके पास फोर और पी टी की वैल्यू आपको चाहिए ठीक है तो आप लिख रहे हैं बेटा यहाँ पे थर्टी सिक्स ये इधर आके माइनस हो जाएगा सिक्सटीन और ये पी टी रहेगा ये आ जाएगा आपके पास ट्वेंटी और ये पी टी और यहाँ पे आप स्केयर रूट लगा देंगे इस टू का ठीक है अब बेटा यहाँ पे देखिए फैक्टर क्या बने आपके पास टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई फाइव तो ये पेयर से बाहर आ जाएगा एक ये आप लिखेंगे हमारे पास फाइव अंदर है और ये टू बाहर आ गया ठीक है पी टी अब नेक्स्ट आप देखेंगे बेटा जो रूट फाइव की वैल्यू होती है टू पॉइंट टू फोर होता है ठीक है तो पी टी जो है हमारी उसकी लेंथ क्या आ गई पी टी क्या आ टू से मल्टीप्लाई करेंगे फोर्टी एट पॉइंट फोर ठीक है सेंटीमीटर तो अब आप देख रहे हैं ये एट है यहाँ पे अगर हमारे पास फ़ाइव से ऊपर के डिजिट होते हैं तो हम इसको नंबर को राउंड ऑफ कर लेते हैं ठीक है तो वो हमारे पास फोर पॉइंट ये फोर्टी एट क्या बन जाएगा फ़ाइव फिफ्टी बन गया मतलब आप फाइव लिखो जीरो आप ना भी लिखो नो प्रॉब्लम फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर जो है हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गया ठीक है ओके okay, बेटा लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गया हमारे पास फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ओके थैंक यू